अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब रहमान सेठ, आप देख रहे हैं न्यूज सिटी कर्नाटका। दोस्तों, इमरान प्रतापगिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जो दिलों पे राज कर रहे हैं नौजवानों के, वो शहर बेंगलोर पहुंचे हैं और न्यूज सिटी कर्नाटका ने बेबाक हिजाब को लेकर, अजां को लेकर, हलाल और झटका को लेकर जो कांग्रेस के लीडर जो चुप्पी जाहिर की है उसके ऊपर सवाल रखा है, बड़ा सवाल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे और जानते मजीद तफसीलात। सर, जब भी कांग्रेस अच्छा काम किया है आप कह रहे हैं, जैसे कि रियासत कर्नाटका में जब भी हिजाब का मामला हो, अजां का मामला हो, या हलाल या झटका का मामला हो, तो कांग्रेस ने चुप्पी जाहिर की है, कांग्रेस के लीडरों ने चुप जाहिर किए, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे तमाम नेताओं ने इस तरह के मुद्दों पर चुप्पी जाहिर की। हम सब लगातार बोल रहे थे इस तरह के मुद्दे पर, और सिर्फ ये कर्नाटक का ही मसला नहीं, इस तरह की बात हर स्टेट में लगभग खड़ी करने की कोशिश की गई, उसकी शक्ल भले ही दूसरी रही हो। भाजपा जानती है कि उसके पास मुद्दे नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे गिनाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, सिर्फ पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के ही दाम नहीं बढ़े हैं, हमारी आपकी जिंदगियों से जुड़े हुए जो आटा चावल दाल और रोटी है ना, उसके उसमें जो महंगाई है वो आसमान को छू रही, जीएसटी दूध और दही तक पर लगा दी इन्होंने, पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी, तो इस सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं। तो आवाम पलट के इनसे सवाल ना पूछे, तो जब आवाम सवाल पूछने जैसे माहौल में आती है कि महंगाई क्यों है, तो वो खड़ा कर देते हैं कहुआ कि नहीं आप जाओ तीन तलाक पर बात करो, आप बात करो हलाल मीट पर बात करो, हलाल मीट कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, ये लोगों की अपनी जिंदगी का मसला है, कौन क्या पहनेगा कौन क्या खाएगा ये भाजपा कौन होती है तय करने वाली। तो ऐसे में लोग बोलते रहे, मैं फिर कर्नाटक की आवाम से कह रहा हूं कि इस तरह के मुद्दों पे आपको तकरीरें सुननी है या इन मसलों के हल चाहिए, हल चाहिए तो सरकार बदलिए।